ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 का पहला महीना जनवरी कैसा जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, किस क्षेत्र विशेष में कन्या वाली राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी और कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व आप सभी को नववर्ष 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशियां लेकर जरूर आए, ईश्वर से हमारी यही कामना है। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कन्या राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व ग्रह स्थितियों की जानकारी आपको दे रहे हैं। आपके राशि के स्वामी बुध देव माने जाते हैं, यानी बुध आपकी राशि को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं, जो जनवरी की शुरुआत में राशि से पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में शनि के साथ गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। आपके राशि के तीसरे भाव में केतु, चंद्र और मंगल की स्थिति जनवरी की शुरुआत में रहेगी। 16 जनवरी 2022 को मंगल, जो आपके पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं, राशि से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। जनवरी के महीने में सूर्य देव और शुक्र धनु राशिगत होकर राशि के चतुर्थ में रहने वाले हैं। वहीं सूर्य देव 14 जनवरी 2022 को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में चले जाएंगे और इस दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर राहु की स्थिति भाग्य भाव में पूरे महीने तक रहेगी। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो वही हम आपको बताते हैं राशिफल। तो आपकी चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। यदि चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए करियर और व्यावसायिक जीवन की जानकारी अगर दिया जाए, इन सभी का विचार राशि के दसवें भाव से किया जाता है। दशम के स्वामी बनते हैं बुधदेव, जो त्रिकोण भाव में भद्र नाम का राजयोग निर्मित कर रहे हैं। दशम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव भी लगातार बने हुए रहने वाले हैं। तो यहां पर जो आपके लिए महीना रहने वाला है, जनवरी का महीना रहने वाला है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से संलग्नता कार्य क्षेत्र पर लाएगा। कन्या राशि के जातक क्रियाशील काफी ज्यादा रहेंगे। करियर के क्षेत्र में श्रेष्ठ मुकाम पर ले जाने के लिए यह महीना बेहतरीन रहेगा। कार्य क्षमता आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। वही कन्या राशि के व्यवसायी जातकों के लिए भी विशेष परिवर्तनदायी समय रहेगा। व्यापारिक विस्तार और व्यापार में नवीनीकरण जरूर होगा। कुछ नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। यानी कन्या राशि के ऐसे जातक जो नया कार्य व्यवसाय प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है। यदि आपका अधूरा कार्य करियर के क्षेत्र में चल रहा था, जिसको आप पूरा करना चाह रहे थे, उसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को सहकर्मियों के साथ सहयोग देखने के लिए मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए, सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए परिणाम अच्छे मिलेंगे। प्रोत्साहन की संभावना है, पदोन्नति की संभावना भी आपके लिए बनी हुई दिखाई दे रही है।
कुल मिलाकर पूरा महीना आपके लिए बेहतरीन और शानदार रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यदि धन को लेकर जानकारी दिया जाए तो राशि के धन भाव के स्वामी शुक्र आपके राशि के लिए चतुर्थ भाव में यानी सुख भाव में मौजूद रहेंगे और लाभ भाव के स्वामी भी शुभ स्थितियों में ही रहने वाले हैं। धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां जा रही है। आपके धन भाव पर आती है सातवीं राशि तुला राशि, जिसमें शनि देव जाके उच्च के हो जाते हैं। तो शनि की स्वराशि मकर राशि में मौजूद है शनि देव, वहां से दृष्टि दशम दृष्टि धन भाव पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले जातक यदि कार्य कम करेंगे उसमें भी आपको परिणाम ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, बचत आपकी होगी और माँ के मध्य के उपरांत खर्च भी आपके काफी ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों में होते हुए नजर आएंगे। विदेश से जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छी संभावना दे रहा है, विदेश से बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलेगा। कन्या राशि के जातक यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने के लिए योजना बना रहे हैं तो आपको विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली का विशेष रूप से आकलन करने के उपरांत ही किसी बड़े चीज पे धन का निवेश करना चाहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण के लिए अगर आपको जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव से परिवार का विचार किया जाता है। पारिवारिक मामला जनवरी के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ और बेहतरीन रहेगा। माता पिता का सहयोग देखने के लिए मिलेगा, भाइयों का सहयोग, भाई बहन का सहयोग देखने के लिए मिलेगा। यदि माता के स्वास्थ्य को लेकर संकट भरी स्थितियां निर्मित हो रही थी वह दूर होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में धार्मिक और मांगलिक उत्सव भरे आयोजन का भी होने की संभावना बनती हुई दिखाई देने वाली है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो राशि के पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है। इस भाव पर शनिदेव स्वराशिगत होकर मौजूद है तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों के लिए प्रेम का भाव मन में ज्यादा जागृत होगा। यहां पर प्यार में आशिक मिजाज के भी आप हो सकते हैं, घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। प्रेम जीवन के मामले में पूरा महीना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वही वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो वैवाहिक जीवन रहने वाला है वो इस महीने मिला जुला रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी राशि के सिक्स हाउस में मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखना चाहिए। सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है तो वैवाहिक जीवन में यह आशंका है कि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य का कष्ट हो सकता है, इससे आपके मानसिक रूप से तनाव की स्थितियां निर्मित हो सकती है तो यहां पर विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। अपने सेहत का और जीवन साथी की सेहत का ध्यान आपको रखना होगा। यदि आपको शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए सिंह राशि वाले जातकों के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी एकाग्रता काफी ज्यादा बढ़ी रहने वाली है। यदि पूर्व के समय से शिक्षा में बाधाएं देखने के लिए मिल रही थी वह आपको जनवरी के महीने में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। यदि सेहत के मामले में आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का मुख्यतः विचार किया जाता है। सिक्स हाउस के स्वामी शनिदेव स्वराशिगत होकर मौजूद हैं, शुभ स्थितियों में मौजूद रहने वाले हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में यदि पूर्व के समय से गिरावट देखने के लिए मिल रही थी तो वो दूर होगी।
पेट से जुड़ी हुई समस्याएं कन्या राशि वाले जातकों को अक्सर परेशान करती हैं। तो यहां पर विशेष खान पान की आदत पर तो आपको ध्यान देना ही होगा, परंतु ज्यादा किसी प्रकार की गंभीर बीमारी की समस्या आपको इस महीने देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। लगन के स्वामी भी शुभ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, क्योंकि जब लग्नेश खराब हो जाते हैं तो मनोस्थिति ही व्यक्ति की बिगड़ जाती है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। वैसे कन्या राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि रोजाना कम से कम 18 बार सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। सूर्योदय के पश्चात यानी सूर्य निकलने के बाद सूर्य नमस्कार करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय यदि बताएं तो जनवरी के महीने में विशेष रूप से गाय की सेवा आपको जरूर करनी है, और भोजन के पूर्व गाय को ग्रास जरूर निकालें, यानी भोजन का कुछ हिस्सा गाय को जरूर देना चाहिए। माता पिता का पूर्ण रूपेण सम्मान करें, भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बेहतरीन और श्रेष्ठ परिणाम जरूर देगा। सेहत के मामले में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों को यदि शारीरिक रूप से समस्याएं ज्यादा मिल रही है तो महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप जरूर करना है। बुधवार के दिन कन्याओं को और घर की महिलाओं को नवीन वस्त्र भेंट कर सकते हैं। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यदि आपको वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं अर्जित हो रही हो तो गुरुवार के दिन आपको केले के पौधे के नीचे देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना चाहिए। इससे आपके पार्टनर के जीवन में चल रही हर समस्याएं जीवन से दूर जरूर होगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2022 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतरीन संभावनाओं का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को अभिराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।